दुर्ग में जहां दो दिन पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले को रोकने वाले बजरंग दल के दो कार्यकर्ताओं को लेकर भिलाई तीन थाने में देर रात जमकर विवाद और हंगामा मचा। थाने में एक युवक पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथ, लात और घूसों से जमकर मारपीट कर दी। पुलिस ने मारपिटाई करने वाले नगर पालिका के सभापति कृष्णा चंद्राकर सहित तीन पार्षदों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कृष्णा चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व मामूली विवाद को लेकर जिम संचालक पुष्पराज सिंह राजपूत के साथ शकील नाम के युवक द्वारा विवाद किया गया था। विवाद बढ़ने पर दोनों ही पक्षों के द्वारा अपने अपने साथियों को बुला लिया गया था, परंतु दुर्ग पुलिस की तत्परता के कारण मामला शांत हो गया था। लेकिन आज दो दिन पूर्व हुए विवाद को तूल देते हुए सभापति कृष्णा चंद्राकर, उसके साथ कांग्रेस के दो से तीन पार्षद और समर्थकों ने आज जिम संचालक के साथी अमित लखवानी से फिर मारपीट की। इस पर जिम संचालक के समर्थक आक्रोशित हो गए। जिम संचालक को भाजपाइयों का साथ भी मिला। कृष्णा चंद्राकर और अन्य दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुरानी भिलाई थाने का घेराव कर दिया गया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दो दिन पहले अपने भिलाई तीन स्थित निवास से निकलकर दुर्ग में होने वाले धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी बीच भिलाई तीन सिरसा चौक पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल को काफिले को रोका और जमकर नारेबाजी करने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि भूपेश बघेल को नीचे उतरकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस ने दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला को लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री से बदतमीजी करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाए। दोनों युवकों को पुलिस थाने में लाने के बाद बजरंग दल और बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए, तो वहीं भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे थे। नगर पालिका के सभापति कृष्णा चंद्राकर दोनों आरोपियों को लेकर भिलाई तीन थाने आए और जमकर एक युवक के साथ हाथापाई भी कर दी। भिलाई चरोदा नगर निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की तलाश की जा रही है। क्या कार्रवाई की पर्चे का स्टार्ट? देखिए, भिलाई तीन में एक दो दिन पूर्व जो एक मामला में FIR दर्ज किया गया था, उस FIR के तारतम्य में और उसके घटनाक्रम में विवेचना के दौरान 12 से 13 लड़कों का नाम उसमें शामिल किया गया था, जिसमें से एक लड़का था अमित लखवानी नामक, जो बाज़ार में कहीं जा रहा था। तो उस समय कांग्रेस के कुछ नेतागण, जिसमें कांग्रेस के सभापति भिलाई नगर निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर और उसके कुछ साथी थे, वो उसको स्वयं ही लेकर के आते हैं और पुलिस के सामने ला करके पेश करते हैं, और इस बीच में उनके द्वारा लाया जब जाता है तो फिर मारपीट की भी घटना उसमें कारित होती है। तो इन सब घटनाओं को, घटनाक्रम को देखते हुए जब ये मामला जो है BJP के प्रकाश में आता है, तो उनके द्वारा इसमें FIR की मांग की जाती है और इसमें FIR भी सुसंगत धाराओं के तहत FIR की गई है। सर, मारपीट का वीडियो थाने में आया है, किस तरह का कार्रवाई होगा, क्या क्या धारा लगा है? देखिए, मारपीट का वीडियो जहां जहां पर हुआ है उस वीडियो को इस मामले में शामिल किया गया है, और चूंकि दो जगह मारपीट का वीडियो हुआ है, वायरल हुआ है दो अन्य जगहों में, और उसको लाने का, उसको उठा करके अपहरण करके लाने का भी इसमें पता चल रहा है, तो उस अनुसार उन धाराओं पे इसमें FIR की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले को रोकने की यही मिला है किसी? देखिए, इसमें ये है कि इन लड़कों का नाम इसमें आ गया था और
क्योंकि जो धाराएं थी वो जिन धाराओं पे इनकी गिरफ्तारी की जानी थी वो भी सुसंगत धाराओं के तहत ही की गई थी, और बस इनको गिरफ्तार किया जाना था और पेश किया जाना था। लेकिन पुलिस का चूंकि कुछ विवेचना का कार्य लंबित था, जिसके चलते पुलिस ने इनको गिरफ्तारी करने का शाम का प्लान बनाया हुआ था, तो किंतु ये धैर्य न रखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस प्रकार की घटना की गई है, जिसके कारण इसमें FIR की गई। FIR दर्ज की गई है। इस मामले में कितने लोग की गिरफ्तारी हो पाई है? पूर्व CM वाले मामले में? जी, पूर्व CM के। पूर्व CM वाले मामले में केवल यही लड़का है जिसकी अभी गिरफ्तारी भी नहीं की गई है, अभी हिरासत में है। भिलाई 3 का मामला नहीं है, भूपेश बघेल से सीधा जुड़ा हुआ मामला है। भूपेश बघेल ने जिस तरीके से कृष्णा चंद्राकर को सामने रखकर उन्होंने अपहरण कराने का काम किया है, उन्होंने गुंडागर्दी करके थाने में बजरंगियों को मारने का काम किया है, आज सीधा मैं चुनौती देने आया हूं भूपेश बघेल जी को उनके निवास स्थान पे, उनके थाने में। हमेशा भिलाई 3 को अपना घर समझने की कोशिश किया उन्होंने, थाने को, यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, और आज जिस प्रकार से बजरंगियों का अपहरण किया गया उसमें भूपेश बघेल जी की भी संलिप्तता है, और कृष्णा चंद्राकर उनके साथी और महापौर जो भिलाई 3 के हैं निर्मल को से, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होगा, सबकी गिरफ्तारी हो गई है, महापौर का बचा हुआ है, और इसमें पुलिस जाँच करे, हम सीधा निर्देश देने आए पुलिस प्रशासन को, इसकी जाँच करे, और भूपेश बघेल भी अपहरण में शामिल है जितना हमें जानकारी मिली है, अगर भूपेश बघेल इस जाँच में पाए जाते हैं दोषी तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए। विष्णु के शासन में कार्रवाई हो पाएगा पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर? कार्रवाई हो चुका है, यही विष्णु देसाई जी के भूपेश बघेल के ऊपर कार्रवाई होगा। आप देखेंगे महादेव सट्टा, महासेव देव सट्टा में जिस आरोपी ने लगाया कि मैंने 508 करोड़ रुपए दिए हैं, उस मामले पे भी CBI जांच होगी, और पूर्व मुख्यमंत्री हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो, ये नरेंद्र मोदी जी की इस देश में सरकार है, ऐसे मुख्यमंत्री चाहे वो शिबू सोरेन की बात हो, चाहे वो आपके दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की बात हो, कोई भी देश में ऐसा अगर कोई गलत करने वाला कोई भी पद पे क्यों ना बैठा हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप बोल रहे हैं कि अपहरण मामले को लेकर भूपेश बघेल का भी इसमें हाथ है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, कृष्णा चंद्रा का FIR मांग वांग नहीं सरकार है। भूपेश बघेल की बात कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ मैं भूपेश बघेल जी की, हम मांग वांग करने थाने नहीं आए हैं, सीधा पुलिस प्रशासन को निर्देश देने आया है भूपेश बघेल के खिलाफ FIR कीजिए। आपको बता दूं ये थाने में जो भीड़ है, कोई यहाँ पे नारेबाजी कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे सचेत करने आए हैं कृष्णा चंद्रा का भूपेश बघेल के गुंडों को, सुधर जाए नहीं तो हमारे बजरंगी सुधार देंगे। FIR दर्ज भूपेश बघेल के ऊपर 24 घंटे इंतजार कीजिए, हम बिना जांच के कभी किसी के ऊपर FIR नहीं करते। कृष्णा चंद्राकर के खिलाफ में हमारे बजरंगियों ने सबूत जुटाया तब जाके कृष्णा चंद्राकर के ऊपर हुआ। भूपेश बघेल की जांच पुलिस कर रही, खुद एडिशनल SP जांच कर रहे हैं, 24 घंटे का इंतजार कीजिए, सच साबित होगा।